बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शाइनी किचन में एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं बना रही हूँ रमज़ान स्पेशल में सेहरी के हिसाब से आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो 5 मिनट में रेडी हो जाएगी, जिसे बना लेंगे हम झटपट और सेहरी करने में बहुत ही हमें आसानी होगी। तो मैं बना रही हूँ ब्रेड से बना रही हूँ लाजानिया, ये अपने स्टाइल से बना रही हूँ, नए स्टाइल से। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसे जो बनाने में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हम नोट कर लेते हैं। 1.5 पाव मैंने चिकन ले लिया है, इसे बॉयल करके मोटे मोटे इसके क्रश बना लिए हैं। 1.5 पाव शिमला मिर्च है, 1.5 पाव गाजर है। ब्रेड मैंने ले लिए एक मीडियम साइज़ की, चैटर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों मैंने ले लिए हैं, क्रश कर लेना है इसे। मैंने 1-1 पाव लिए, आप ज़्यादा और कम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है चीज़ तो ज़्यादा डाल लें, वरना नहीं तो 1-1 पाव भी काफ़ी हो गई। काली मिर्च लिए मैंने 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, नमक हसबे ज़ायका, जितना भी आपको नमक पसंद हो उस हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप सबको मिल सके। चलिए हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए व्यूवर्स, देखिए मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और अपनी पतीली को रख लिया है चूल्हे पे। हमें इस पर ज़रा सा तेल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल मैंने 2 चम्मच खाने के डाले हैं। इसके अंदर 1/2 टीस्पून में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। चलिए व्यूवर्स, इसके अंदर हम अपनी तमाम गाजर और शिमला मिर्च ऐड कर रहे हैं। इसे अच्छी तरह हमें इस ऑयल में ज़रा सा पकाना है। चले मैं इसके अंदर अपने स्पाइस शामिल करती हूँ। हम अपने स्पाइस शामिल कर रहे हैं कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च और नमक। चले मैं 2-3 मिनट इसे ढक कर रखते हैं, फिर इसको हम अपने आगे रेसिपी कंटिन्यू करती हूँ मैं। चले व्यूवर्स, देखिए 3 से 4 मिनट के करीब मैंने इसे पका लिया है। अब हम तमाम अपनी चिकन इसमें ऐड कर रहे हैं। और हमें इसे 1 मिनट ही बस पकाना है, क्योंकि हमारी चिकन ऑलरेडी बॉयल हुई हुई है। चलिए व्यूवर्स, मैं अपनी तमाम ब्रेड के साइड निकाल लेती हूँ फटाफट। इसी तरह हमें अपनी तमाम ब्रेड्स की साइड निकाल लेनी है। चलिए व्यूवर्स, मैंने ब्रेड के साइड काट लिए हैं और इसे आप रख लीजिएगा, ब्रेड क्रम्स बनाने का काम आएंगे, ज़ाया नहीं होगा। चलिए व्यूवर्स, ये देख लेते हैं अपना, ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया हमारा फ्लेम, मैंने ऑफ कर दिया है इसका। चले इसे हम उतार लेते हैं। चलिए व्यूवर्स, मैं 1-2 कतरे इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ और इसे हमें अच्छी तरीके से फैला रही हूँ इसके अंदर। हमें इसे बेक करेंगे हम थोड़ी देर रख के। अच्छा, हमें इसे, मैं इसे पतीली में बना रही हूँ, ओवन में हम नहीं बना रहे हैं। ऊपर तक भी अच्छी तरीके से आप लगा लीजिए। चलिए व्यूवर्स, मैंने अपनी पतीली को प्रीहीट होने के चूल्हे पर रख दिया है। अब हम बनाना शुरू करते हैं।
चलें इस तरह मैं इसके ऊपर सैंपल कर रही हूँ। चलिए व्यूवर्स देखिए मैं तमाम बैटर इस पर डाल लिया है, अब हम इसके अंदर अपने चीज़ को डाल रहे हैं। कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आपको जितनी पसंद हो। चलिए व्यूवर्स देखिए अब मैं दूसरा स्टेप बना रही हूँ इसके ऊपर। इसी तरह हमें स्टेप बनाने हैं। देखिए व्यूवर्स मैंने इसके ऊपर एक और सेकंड लेयर लगा ली है, अब इसके ऊपर भी हम चीज़ डाल रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हमारा ये लज़ानिया तैयार होगा। ब्रेड से हम बना रहे हैं लज़ानिया, बिल्कुल लेटेस्ट और न्यू स्टाइल से। और सेरी में आप इसको सब कुछ बना के रात को रख सकते हैं, बस असेंबल किया और आपने सेरी में इस्तेमाल कर ले। चलिए मैं इस पर तीसरी लेयर लगाती हूँ। चलिए व्यूवर्स देखिए सिर्फ मैं चार मिनट के लिए रख रही हूँ, क्योंकि ये तो पूरा रेडी है, हमें सिर्फ इसे बेक करना है ताकि हमारी चीज़ मेल्ट हो जाए, फिर हम अपनी फाइनल लुक देखिए। माशाल्लाह हमने तीन चार मिनट के करीब मैंने इसे बेक किया है, सिर्फ हमें चीज़ मेल्ट करना था इसका, ये रेडी हो गया है। चलिए मैं इसे निकालती हूँ। चलिए व्यूवर्स देखिए माशाल्लाह हमारा बिल्कुल बेक हो गया, रेडी हो गया है। चलिए मैं इसे निकालती हूँ। चलिए व्यूवर्स देखिए मैं बना रही हूँ इसको, अब बहुत ही मज़ेदार बना है हमारा ये। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, सेरी में आप बनाएं, फटाफट झटपट रेडी होने वाली है ये रेसिपी। अब बच्चों को बड़ों को बहुत पसंद, रात को आप इसकी तमाम चीज़ें बना के रख सकते हैं और सुबह आपने इसको बस सेरी के वक्त आपने इसको चाहे तो बस निकालें और असेंबल करके देखें क्या ज़बरदस्त रेसिपी बनी है हमारी। ये देखिए व्यूवर्स कितना बेहतरीन बना है हमारा ये। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सेरी में बनाएं, 5 मिनट में रेडी होने वाली डिश है। इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप सबको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।